सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में जब चल रही थी उसके बाद ये फैसला सामने आया कि 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे उनकी परीक्षा को फिर से कराया जाएगा। ये बताया गया कि 1563 छात्र की परीक्षा होगी, 30 जून के पहले पहले उनके नतीजे आ जाएंगे और फिर वो काउंसलिंग में शामिल होंगे। लेकिन इन सबके बीच सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हो सकता है आप भी ये सोच रहे हो कि वो 1563 छात्र कौन हैं, दोबारा परीक्षा उनकी कब होनी है, वो तारीख कौन सी है, क्या सारे बच्चे जो हैं उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं उसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। 5 बड़े सवाल जिसका जवाब लोकल 18 की टीम आपको देने वाली है। और उसमें जो सबसे पहला सवाल फिलहाल बच्चों के मन के उनके अभिभावकों के मन में चल रहा है वो ये है, सभी को क्या दोबारा नीट की परीक्षा देनी होगी? जवाब इसका है नहीं। 1563 छात्र थे जो कि कोर्ट गए थे और वहां जाकर उन्होंने अर्जी लगाई थी कि एग्जाम में उन्हें कम समय मिला है, तो इन्हीं छात्रों का अब दोबारा एग्जाम किया जाएगा। मतलब जितने परीक्षार्थी थे, जितने अंक उन्हें मिले हैं, उनके जस के तस रहने वाले हैं। मात्र 1563 छात्र उन्हीं का रीएग्जाम होगा जिन्होंने ये क्लेम किया था कोर्ट में अंदर जाकर बाकायदा कि उन्हें एग्जाम में कम समय मिला है और ग्रेस मार्क उन्हें दिया जाना चाहिए। सिर्फ वही बच्चे हैं जिन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा, बाकी के परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उन्हें न एग्जाम दिया जाएगा न उनके नंबर बदले जाएंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल, दोबारा कब होगी नीट यूजी की परीक्षा? तो दोबारा 1563 छात्र जिनकी परीक्षा होनी है उसकी तारीख है 23 जून 2024। इन 1563 छात्रों को 23 जून को दोबारा एग्जामिनेशन सेंटर जाकर और वहां परीक्षा देनी है। अब तीसरा बड़ा सवाल ये है कि इसका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए आपको बता दें कि रिजल्ट की जो तारीख है वो अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये बताया गया कि 30 जून के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 23 जून को एग्जाम होगा और 30 जून के पहले रिजल्ट आने की बात एनटीए की तरफ से कही जा रही है। अब चौथा बड़ा सवाल, कब होगी नीट यूजी की काउंसलिंग? देखिए 23 जून को परीक्षा है, 30 जून के पहले रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद घोषणा की जाएगी कि काउंसलिंग की डेट क्या है। जब एनटीए की तरफ से काउंसलिंग की तारीख बताई जाएगी तब उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मतलब अभी आप इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि 30 जून तक तो काउंसलिंग शुरू नहीं होनी है, जब री एग्जामिनेशन वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा और उसमें आपको शामिल होना है। आखिरी बड़ा सवाल कि क्या ग्रेस मार्क पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा देना अनिवार्य होगा? जवाब है नहीं, ये वैकल्पिक है। 1563 छात्र अगर चाहें तो वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन जो ग्रेस मार्क उन्हें दिया गया है वो अब खत्म हो जाएगा। अगर एग्जाम में, उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ कि 5 अंक आपको ग्रेस मार्क के तौर पर मिले हैं, तो अब अगर आप दोबारा एग्जाम नहीं देते हैं वो 5 ग्रेस मार्क काट लिए जाएंगे। लेकिन एग्जाम देना है या नहीं देना है ये उन 1563 छात्रों की मर्जी पर डिपेंड करेगा। मतलब ये वैकल्पिक है, वो चाहे तो दोबारा एग्जाम दे, चाहे तो एग्जाम ना दे। लेकिन इतना जरूर है कि जो ग्रेस मार्क है अब वो काउंट नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 5 बड़े सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे आज के फैसले के बाद उसका जवाब हमने आपको दिया। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 8 जुलाई को होनी है और उस वक्त हम देखेंगे कि कोर्ट के अंदर क्या जिरह होती है और उसके ऊपर अदालत का क्या फैसला आता है।